I say hi to our viewers? Hi. अच्छा शाय हम लोग कहाँ से निकले थे, कौन से स्टेट से निकले? शाय से हाय टू आवर व्यूअर्स। हाय। हाय। जयपुर का लैंडमार्क जिसे कहा जाता है वो है हवा महल। हवा महल देखने जा रहे हैं, शाही को दिखाना है वो महल, तो आइए चलिए जल्दी से हवा महल देखने जाते हैं। और ये है जयपुर की गलियां, और सामने ही एक बड़े से माउंटेन के ऊपर मुझे कुछ हवेली या पैलेस टाइप कुछ दिख रहा है। देखिए पहले के जमाने में जैसे मार्केट लगा करते थे, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे देखिए, और दोनों तरफ ऑरेंज कलर के कंस्ट्रक्शन बने हुए हैं सारी दुकानें, और उसके ऊपर जो नाम है यूनिफॉर्म है, ये जामनगर में भी एक ऐसी जगह है जिसको दरबारगढ़ बुलाते हैं, ये पूरा एरिया वैसे ही है। ये देखिए यहाँ सामने जो गेट दिख रहा है वहां से आप जा सकते हैं अंदर। तो ये है हवा महल का रास्ता, और हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे थोड़े से पिक्चर्स क्लिक करेंगे, लेकिन रिनोवेट हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जब ये बन के रेडी होगा आई एम श्योर बहुत ही मेजेस्टिक लगेगा ये। जस्ट लुक एट दिस। तो अगर आपको फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है तो जयपुर आइए और हवा महल के सामने फ़ोटो खिंचा सकते हैं आप। लुक एट दिस। तो हमारा जो जयपुर में हमने यहाँ पे एक नाइट स्पेंड की, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, होटल का भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। लोग फ्रेंडली है यहाँ पे, लॉकडाउन की असर दिख रही है, इफ़ेक्ट है यहाँ पे, लेकिन ठीक ठाक है, चीज़ें ठीक ठाक खुली है यहाँ पे, भीड़ भाड़ कम है अभी, और जयपुर एसेंशियल्स मिल जा रहे हैं आपको, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस वाज जयपुर फ्रेंड, यहाँ से निकल रहे हैं जयपुर से, जयपुर को बोलेंगे बाय बाय, और चलते हैं बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, व्हिच इज हिमाचल। उससे पहले एक और हमें स्टॉप लेना पड़ेगा, तो वो कहाँ पे जाके लेते हैं हम लोग स्टॉप, तो वो जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच शनाया, थोड़ा जोर से बोलो आप पहले। आपको जयपुर कैसा लगा? आपको सबसे अच्छा क्या लगा जयपुर में? My bed. हाँ? Your bed? Which bed? Princess room. और इसके अलावा? New princess room. उसके अलावा कुछ? Spa bathtub. Sorry? Spa bathtub. What? Spa bathtub. What is that? स्विमिंग पूल। अच्छा लगा आपको? बंद था वो तो, बट इट वाज नाइस। व्हाट एल्स? इन 400 मीटर्स कंटिन्यू स्ट्रेट टू स्टे ऑन न्यू। और आपने जयपुर में क्या देखा सुनाया अभी? हवा महल। हवा महल, वेरी नाइस। जयपुर का दूसरा नाम क्या है सुनाया? जयपुर का दूसरा नाम क्या है बेटा, हमने बताया था आपको, याद करो पहले बोलो। हम जो आवाज जयपुर का दूसरा नाम याद है शना आपको? शांति आने, शांति ना थी बोलो। अच्छा मैं बताऊं? नो। तो आपको याद है? कोई नहीं क्या मम्मा, फोन आपको? अच्छा नहीं, आप पहले बोलो।
जयपुर का दूसरा नाम बोलो। पिंक सिटी। क्या नाम है? व्हाट्स योर फेवरेट कलर शनाया? जयपुर का दूसरा नाम क्या है? Yes. और जयपुर का दूसरा नाम है? पिंक सिटी। और ये है बड़ा सा हनुमान मंदिर और बड़े से हनुमान जी और बड़ी सी मूर्ति उनकी। संकट मोचन हनुमान, बहुत ही बड़ा मंदिर लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। यहाँ से जाने का रास्ता है लेकिन अभी बंद है वो भी। और ये देखिए किला, वो जो वॉल सामने दिख रही है, पहाड़ी पहाड़ है आसपास। So we are towards Delhi. अभी हम जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं और यहाँ का भी रोड काफी अच्छा है। और ये देखिए रास्ते में क्या ब्यूटीफुल नजारे आ रहे हैं। એટલે ચડ્યું પણ કંટાળી જ તમે ગંદુ થયો એટલે ચડ્યા ઉપર હા જો સાહેબ ગાડી ચાલે જો પાપાને ગાડી કેમ લાગે છે નો સોરી લી ગાડી ચાલો જો ગાડી ચાલો જાય શું કરો છો કે બતા દીએ કે અભી રોડ બંધ કર દેશે बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जाम है, कंजेशन है पूरा आगे। 11 मिनट का कंजेशन है हम लोग। 11 मिनट तो मैप में दिखा रहा है। अच्छा मैप में 11 मिनट दिखा रहा है। हम लोग 11 मिनट ऑलरेडी पहुंचे हुए हो गए। तो पता नहीं अब कितना और कंजेशन हमें झेलना पड़ेगा। ये देखिए इतना कंजेशन है, इतना लंबा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। ऑलरेडी शाय और हिमांशु बहस में पड़ चुके हैं। शाय अब बोर होके पता नहीं उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। देखो पीछे, जैसे मैंने बताया था उसकी कार सीट अब 5 साल से ऊपर की हो गई है, तो उसकी कार सीट हमने निकाल दी है क्योंकि वो उसको अब थोड़ी छोटी। तो एक बार उठाए। हाँ तो शू कर सू तो उसकी सीट गंदी हो गई तो वो ऊपर चढ़ गई। A few moments later. आज पहुंच जाएंगे क्या? अब एक्सीडेंट हुआ है क्या? कोई नहीं, वो क्या सर्विस रोड पे गाड़ी डाल रहे हैं ना, इसलिए सर्विस रोड पे डाल रहे हैं। उधर डाल रहे हैं, थोड़े आगे ना, पहले साइड डाल दे गाड़ी को, फिर बीच में डाल दे। कितना लंबा कंजेशन है भैया। हम लोग यहाँ जयपुर जयपुर दिल्ली हाईवे पे करीबन 1 घंटे से फंसे हुए हैं शाहजहाँपुर से आगे। और 11-12 किलोमीटर लंबा कंजेशन दिखा रहा है। हम लोगों ने जो नेशनल हाईवे डिजास्टर मैनेजमेंट जो हेल्पलाइन होती है वहाँ पे अभी कॉल किया हम लोग ने और बात की, तो उन लोगों ने बताया कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है वो वहीं पे चल रहा है। और जो 3 ट्रक की लेन होती है उसमें से अभी 1 ट्रक निकल रहा है। लेकिन हम लोग कब से यहाँ पे खड़े हैं, गाड़ी वैसी की वैसी है, बिल्कुल आगे नहीं जा रही है गाड़ी। तो उन्होंने बताया कि फिर भी कुछ अगर हेल्प होती है तो भेज रहे हैं हमें हेल्प। तो चलिए, और मैंने नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1033। आप कभी भी कुछ भी हाईवे पे कहीं पे कुछ भी अगर आप फंसे हुए हैं या कुछ भी हेल्प चाहिए तो 1033 पे आप कॉल करके हेल्प मांग सकते हैं। तो बहुत अच्छे से और सही तरीके से जवाब दिया उन लोगों ने, विच इज अप्रिशिएटेड। और अभी थोड़े थोड़े ट्रक्स वापस मूव हो रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कितना आगे जा पाते हैं। 2 hours later. खंडोड़ा, ये हरियाणा का पहला गांव आ गया राजस्थान से। हाँ जी, चलो थैंक यू सर, वो लिख रखा है आगे वैसे भी। ओके ओके, थैंक यू भैया। और ये देखिए हम कहाँ से गुजर रहे हैं। जी हाँ, सैफ अली खान का घर, घर तो नहीं महल उसका।
उसका पटौड़ी महल, करीना कपूर का ससुराल, करीना कपूर का ससुराल। तो यहाँ से आगे से आप अगर लेफ्ट ले लीजिए अगर आपको सैफ अली खान के घर जाना है तो। अभी हम लोग कुरुक्षेत्र से क्रॉस हो चुके हैं और अंबाला कैंट की तरफ जा रहे हैं। मैं और हिमांशु बात कर रहे थे कि जैसे ही हमने पंजाब एंटर किया और जैसे हम नॉर्थ की तरफ हिमाचल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ की हवा, यहाँ का आकाश, यहाँ के पेड़ पौधे सब अलग लग रहा है। मतलब इतना सुहावना, इतना ब्यूटीफुल मौसम है यहाँ पे। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। और मैं बहुत ही ज़्यादा, हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हमारे डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा मौसम है, सूरज, उसकी गर्मी कम हो गई है यहाँ पे, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और ठंडी हवा है यहाँ पे। सो इट्स ब्यूटीफुल और वी आर एंजॉयिंग आवर राइड। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का मौसम, रोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बड़े बड़े पेड़ चारों तरफ, बहुत खूबसूरत जगह है। जैसे ठंड में जाते हैं मेरे फेस पे एक अच्छी सी मुस्कान आ जाती है। और ये देखिए हम अंबाला कैंट, 35 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलिए चलते हैं आगे। अंबाला सिटी में एंटर ऐसे होते हैं, बहुत ही ग्रैंड कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 44 फॉर 8 किलोमीटर्स। और ये शिमला के लिए वहां से रूट जाता है। हां, अभी हमें शिमला नहीं जाना है, हम जा रहे हैं जीबे की तरफ। तो अभी हम और आगे जा रहे हैं पंजाब में, चंडीगढ़ शिमला इस तरफ से। कहाँ जाते हैं, अभी बज रहे हैं रात के अराउंड 10:15। तो देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं। हिमाचल शायद हम एंटर होना चाहते हैं अगर उसे के बाद।